क्या आपको पता है कि ब्लू व्हेल का जीभ का वजन कितना होता है? या क्या आपको पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बालों को कितने रुपए में बेचा गया था? आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। हे गाइस, मेरा नाम है शुभम सिंह, आप देख रहे हैं इनसेन फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 15, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट जिस पे हम सभी रहते हैं, और रिसेंट कुछ डिकेड्स में हमने बहुत सारे इन्वेंशंस करके ह्यूमैनिटी को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। इन्हीं सारे इन्वेंशंस में से एक इन्वेंशन है सैटेलाइट। अगर आप अर्थ की रियल इमेज को देखें आउटर स्पेस से, तो आपको पता चलेगा कि कई हजार सैटेलाइट्स अर्थ का ऑर्बिट लगा रही हैं, और इनमें से कई सारी सैटेलाइट्स आपके कम्युनिकेशन में और अलग अलग वर्क्स में यूज आती हैं। तो एक फैक्ट ये है कि अभी तक जितनी भी सैटेलाइट्स आउटर स्पेस में हैं, हमारे अर्थ का ऑर्बिट लगा रही हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक ही सैटेलाइट ऐसी है जो मीटियोर से टकराने की वजह से डिस्ट्रॉय हुई है। ये सैटेलाइट 1993 में मीटियोर से टकराने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट थी, जिसका नाम था ओलंपस। फैक्ट नंबर 14, अंटार्कटिका। अगर मैं आपसे अंटार्कटिका के बारे में पूछूं, तो आप क्या कहेंगे? यही कि एक बर्फीली ठंडी जगह है जो कि साउथ पोल पे एग्जिस्ट करती है और जो कि सदर्न ओशियन से घिरी हुई है। तो अंटार्कटिका के बारे में फैक्ट ये है कि अंटार्कटिका हमारे प्लेनेट पर इकलौती ऐसी जगह है, या ये इकलौता ऐसा लैंड है जिसे कोई भी कंट्री ओन नहीं करती है। जैसे होता है ना कि ये मेरा देश है, ये मेरा इलाका रहेगा, ये मेरा इलाका रहेगा, तो अंटार्कटिका एक इकलौता ऐसा लैंड है जिसे कोई भी देश ओन नहीं करता है। फैक्ट नंबर 13, अगर मैं आपसे कहूं हर दिन काउंटिंग करने के लिए, तो आप कितने नंबर तक काउंट कर पाएंगे? अगर आप काउंटिंग करना स्टार्ट करें, जैसे 1, 2, 3, 4, हाथ पे लिख के या कैसे भी, तो आप कितने तक काउंट कर सकते हैं? और अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1 ट्रिलियन तक काउंट करना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा 1 ट्रिलियन तक काउंट करने में, 1 से लेके 1 ट्रिलियन तक? तो अगर आप हर दिन भी 24 घंटे तक गिनते रहें, तो आपको 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में कम से कम 31,000 साल लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 12, ये बहुत ही स्ट्रेंज और अजीब फैक्ट है। मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड्स में तो आप लोग गए ही होंगे और बर्गर भी खाया होगा, और आपने देखा होगा कि मैकडॉनल्ड्स के बाहर एक क्लाउन बैठा रहता है, या क्लाउन के स्टैच्यू को बना के रखा गया रहता है, तो उसका नाम है रोनाल्ड मैकडोनाल्ड। तो फैक्ट ये है कि रोनाल्ड मैकडोनाल्ड को जापान में डोनाल्ड मैकडोनाल्ड बोला जाता है। वो बस इसलिए क्योंकि डोनाल्ड मैकडोनाल्ड्स को जापानीज आसानी से प्रोनाउंस कर पाते हैं, यानी उन्हें रोनाल्ड बोलने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए ताकि वो आसानी से प्रोनाउंस कर सकें, उन्होंने उसका नाम ही चेंज करके डोनाल्ड मैकडोनाल्ड रख दिया। और ऐसे ही सिंगापुर में उन्हें अंकल मैकडोनल्ड्स के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 11, रेंडियर्स। हमने पिछले वीडियो में भी रेंडियर्स के बारे में बात की थी, लेकिन उस वीडियो में हमने सेंटा के रेंडियर्स के बारे में बात की थी, लेकिन हम यहाँ पे सेंटा के रेंडियर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक असली रेंडियर की, या जिसे हम बारहसिंगा भी कहते हैं। तो फैक्ट ये है कि बारहसिंगे की आंखें जो होती हैं, वो सीजन के हिसाब से अपना रंग या कलर चेंज करती रहती हैं। अगर आप रेंडियर्स को ध्यान से देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि गर्मी के दिनों में रेंडियर्स की आंखें गोल्डन कलर की हो जाती हैं, और वहीं ठंडियों में रेंडियर्स की आंखें या बारहसिंगा की आंखें ब्लू कलर की हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 10, निकोला टेस्ला। एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्हें एल्बर्ट आइंस्टीन या आइजैक न्यूटन की तरह फेम तो नहीं मिली, या हमें स्कूल कॉलेजेस में भी उनके बारे में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्होंने तब भी अपना पूरा जीवन साइंस की तरफ डिवोटेड रखा, जिसके चलते उन्होंने कई सारे ग्रेट इन्वेंशंस किए। उन्हीं ग्रेट इन्वेंशंस में से एक इन्वेंशन था एसी करंट का, जिसे वो पूरी दुनिया में फ्री में प्रोवाइड करवाना चाहते थे, और उसका कोई भी पेटेंट भी नहीं बनवाना चाहते थे। तो ऐसे ही एक जगह है कैलिफोर्निया में जिसका नाम है पालो अल्टो। वहां पर एक जगह है जहां पर निकोला टेस्ला का स्टैच्यू बना हुआ है, और उस स्टैच्यू के अंदर
वाईफाई इंस्टॉल्ड है जो कि उस पूरे एरिया में फ्री वाईफाई प्रोवाइड करता है। फैक्ट नंबर 9, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये नाम तो हम सभी जानते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा के एक एस्ट्रोनॉट थे जो पहले ऐसे व्यक्ति बने जिसने चांद पर अपना कदम रखा हो। नासा जिसने अपना अपोलो 11 मिशन 16 जुलाई 1969 को शाम 7:02 पर लॉन्च किया था और अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को मून पर लैंड हुआ। तो फैक्ट ये है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बालों को साल 2004 में एक ऑक्शन में रखा गया था और उस पर बिडिंग लगाई गई थी। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बालों को सबसे हाईएस्ट बिडर जो था उसने उसे $3,000 में खरीदा। अगर हम उस टाइम का कंपैरिजन करें डॉलर का इंडियन रुपी में तो उस टाइम इंडियन रुपी 45 रुपये के बराबर था, यानी $1 45 रुपये के बराबर था। और अगर हम कंपैरिजन करें तो उस टाइम नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बालों को लगभग 1,35,000 में बेचा गया था। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे स्लो प्राणी कछुआ नहीं बल्कि एक स्लॉथ होता है? अगर आप गूगल करें स्लॉथ का हिंदी में ट्रांसलेशन तो वो आपको उस जानवर का नाम नहीं बताएगा बल्कि वो आपको स्लॉथ का मतलब सुस्ती ही बताएगा। तो इसका नाम स्लॉथ इसलिए पड़ा क्योंकि ये दुनिया का सबसे स्लो प्राणी है। इसको 1 माइल या 1.5 किलोमीटर का सफर करने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है और ये कछुए से भी काफी स्लो है। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शरीर में कितने परसेंट तक पानी की कमी होने के बाद आपको प्यास लगने लगेगी या कितने परसेंट तक आपके शरीर में पानी की कमी होने के बाद आपकी मौत हो जाएगी तो आप क्या कहेंगे? मैक्सिमम लोग कहेंगे कि 5 से 10% तक पानी की कमी होने पर मुझे प्यास लगने लगेगी, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है। एक इंसान लगभग 1 महीने तक बिना खाने के रह सकता है लेकिन बिना पानी के सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते। और यदि आपके शरीर में पानी का अमाउंट सिर्फ 1% से कम हो जाता है तो आपको प्यास लगने लगेगी। और वहीं अगर आपके शरीर में पानी का अमाउंट 10% से कम हो जाए तो प्यास से आपकी मौत हो जाएगी। ये हायर परसेंटेज होता है डिहाइड्रेशन का। इस परसेंटेज के बाद शरीर डिहाइड्रेशन के चलते धीरे धीरे मरने लगता है। फैक्ट नंबर 6, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी कैलोरीज को बर्न करने के लिए क्या क्या किया है तो आप कहेंगे कि मैंने कई सारी एक्सरसाइजेस की हैं, कई सारे स्पोर्ट्स खेले हैं और भी बहुत कुछ किया है। और आप अलग अलग जगह पर एडवर्टीजमेंट्स भी देखते हैं कि ये करिए तो आपकी इतनी कैलोरीज बर्न होंगी, ये करिए तो आपकी इतनी कैलोरीज बर्न होंगी। तो फैक्ट ये है कि च्युइंगम खाने से भी कैलोरीज बर्न होती हैं। अगर आप च्युइंगम को खाएं तो पर आर यानी प्रति घंटे च्युइंगम आपके शरीर में से 11 कैलोरीज या 11 कैलोरीज बर्न करती है। फैक्ट नंबर 5, ये बहुत ही ऑसम फैक्ट है और एक ऐसा फैक्ट भी है जिससे हमें ये पता चलता है कि नेचर लाइफ को फॉर्म होने में कितनी मदद करती है। तो फैक्ट ये है कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन या कोई भी गर्भवती महिला का ऑर्गन डैमेज हो जाए तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए स्टेम सेल्स भेजता है। यानी अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके वॉम्ब में या गर्भ में जो बच्चा पल रहा होगा और उस टाइम अगर उस वुमेन का कोई भी ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो वो बच्चा वॉम से स्टेम सेल्स को भेजता है ताकि वो ऑर्गन रिपेयर हो सके। फैक्ट नंबर 4, ये एक फन फैक्ट है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये बुक आपने जरूर पढ़ी होगी स्कूल लाइब्रेरी में या कहीं और से या अपने फ्रेंड्स के यहाँ से। तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का एक खुद का भी रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड ये है कि दुनिया भर में लाइब्रेरी से सबसे ज्यादा चोरी होने वाली किताब जो है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का ये खुद का रिकॉर्ड उसकी बुक में दर्ज है। फैक्ट नंबर 3, डोनाल्ड डक। डोनाल्ड डक को तो हम सभी जानते हैं और आप इस फैक्ट को फन फैक्ट या रिडिकुलस फैक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि डोनाल्ड डक कॉमिक्स को फिनलैंड में बैन कर दिया गया था। हम सभी ने डोनाल्ड डक कॉमिक्स को पढ़ा है या फिर हमने उसकी एनिमेशन सीरीज तो देखी ही है, तो हमने देखा है कि डोनाल्ड डक को कैसे दिखाया गया है या वो कैसा है। तो डोनाल्ड डक को फिनलैंड में इसीलिए बैन कर दिया गया था क्योंकि वो सिर्फ पैंट नहीं पहनता था और ये एक फैक्ट है। फैक्ट नंबर 2, वेल्स। वेल्स ओशन में रहने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है और इनका वजन
50,000 से लेकर 1,50,000 किलो तक होता है। ऐसे ही वेल शार्क का वजन 19,000 किलो, हमबैक वेल का वजन 30,000 किलो, ग्रेट व्हाइट शार्क का वजन 520 से लेकर 1,100 किलो, स्पर्म वेल का वजन 35,000 से लेकर 57,000 किलो तक का होता है। तो फैक्ट ये है कि जो ब्लू वेल होती है उसका जीभ का वजन कई हाथियों को मिला दें तो उससे भी ज़्यादा होता है। यानी अगर आप कई सारे हाथियों को एक साथ खड़ा कर दें तो उन सभी हाथियों का वजन मिलाकर एक वेल की जीभ के बराबर होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फैक्ट नंबर 1, ये बहुत ही डरावना फैक्ट है और आप चाहेंगे कि अगर आप कभी भी अफ्रीका जाएं तो आपका सामना इससे तो ना ही हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका में पाए जाने वाले एक सांप की प्रजाति के बारे में। इस सांप के काटने के बाद इसका जहर धीरे धीरे आपके शरीर में फैलने लगता है और इसका जहर फैलने के कारण आपके शरीर में हर अंग से खून बहने लगता है। आपके शरीर इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ब्लू पड़ने लगता है या नीला पड़ने लगता है और इंटरनल ब्लीडिंग के कारण आपको मरने में 5 दिन तक लग सकते हैं। ये सांप सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं और जिसका नाम है बूम स्लैंग। ये सांप ऐसा है जिसके जहर के कारण आपके शरीर के हर छेद से खून बहने लगता है।